तो मेथी का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली हूँ मेथी, मेथी मैंने एक गड्डी मेथी में से आधी निकाल ली हूँ, उसको मैंने कट करके वॉश करके इस तरह से नेट में डाल दी हूँ कि सारा पानी निकल जाए। और ये मैंने ली हूँ गेहूँ का आटा जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो आपको कितने लोगों के लिए बनाना है आप वो हिसाब से आटा ले लीजिए। तो मैंने ये गेहूँ का आटा ली हूँ यहाँ पर, और दो चम्मच मैंने बेसन का आटा ली हूँ। और यहाँ पे लेंगे हम लोग कुछ लहसुन 10 से 11 कली, 4 से 5 हरी मिर्ची, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना आपको तीखा ज़्यादा लगता है या कम लगता है। और एक छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा ली हूँ यहाँ पे, एक चम्मच मैंने नमक ली हूँ, और हमें इसमें अजवाइन भी लगेगी तो ये मैंने अजवाइन ली हूँ, आधा चम्मच हल्दी, और एक छोटा चम्मच ये लाल मिर्ची पाउडर, और 2 चम्मच हम लोग दही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो तीनों चीज़ों को मिर्ची लहसुन और ज़ीरे को मिक्सर में पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो हम लोग इसको अब पीस लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पीस ली हूँ, इस तरह से दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे नमक, नमक के बाद में जो ये मैंने मिर्ची लहसुन और ज़ीरा पीसी हूँ ये भी इसमें डाल देंगे सारा। और इसमें मैं डालूँगी बेसन। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी अजवाइन इस तरह से हथेली पे रख के इसको क्रश कर लेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच दही। तो ये देखिए 1 और 1 ये 2, बस 2 चम्मच, ये चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच ही दही डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें दही डालने से। तो अब इसको मैं पहले एक बार मिला लूँगी अच्छे से। तो अब इसमें डालेंगे मेथी और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको पहले एक बार अच्छे से मिला लेंगे पानी डाले बिना। और एकदम नरम आटा नहीं गूंदना है, जैसे हम लोग रोटी के लिए गूंदते हैं वैसा नहीं गूंदना है, ये थोड़ा सा कड़क रहेगा आटा, एकदम भी कड़क नहीं, थोड़ा सा ये पराठे के हिसाब से रहेगा, क्योंकि एकदम गीला हो जाएगा तो फिर बेलने नहीं जमेगा। और मेथी का जो डो रहता है वो थोड़ा टाइट ही रहता है। तो इस तरह से मैं एक बार मिला लूँगी, फिर इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के फिर गूंद लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। कुछ लोग दही नहीं डालते हैं, पर मैं दही इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये इसको स्टोर करके भी आप रख के खा सकते हो बिना चटनी या बिना दही या किसी और चीज़ के साथ। इसमें दही रहने डालने से कुछ अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, इसलिए मैं दही डालती हूँ। तो इसी तरह से इसको मैं गूंद लूँगी फटाफट। ये देखिए इस तरह से ये डो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये इस तरह से मैं ऑयल डाल के, जो भी ऑयल आपको डालना है सरसों का या तो फिर तिल का ऑयल या जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, ऑयल डाल के इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे इसको, तो ये चिपकेगा नहीं ऑयल डालने से। देखिए आटा इस तरह से ही गूंदना है, एकदम नरम नहीं करना है, ये इस तरह से ही गूंदना है, एकदम नरम कर दोगे तो फिर बेलने नहीं जमेगा। और ऑलरेडी मेथी में पानी था जो मैंने धोई थी तब, फिर भी मैंने 2 घंटा पहले इसको रेस्ट के लिए रख दी थी कि सारा पानी निकल जाए, फैन के नीचे रखी थी कि थोड़ा सूख जाए। तो ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा मैं
ऑयल हाथ में लगा लूँगी। ये रेडी हो चुका है हमारा आटा। अब ये प्लेट को थोड़ा क्लीन कर लेंगे चारों तरफ से। इसके बाद में अब मैं जब इसको बेल के सेकूंगी तब मिलती हूँ। चलो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ले लेंगे इस तरह से लोई, आटे की लोई बना लेंगे। और पराठा है तो इसको थोड़ा मोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसको। ये देखिए इस तरह से सूखा आटा लगा के फिर बेल लेंगे। मेरा किचन बहुत छोटा है इसके लिए थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, तो इसको मैं बेल लूँगी इस तरह से। अगर आपको अंदर भी तेल लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर मैं नहीं लगाऊंगी। इस तरह से बेल लेंगे। आपको जैसे शेप में बनाना है, स्क्वायर ट्राइंगल आप बना सकते हो, पर मैं इसको गोल बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा इतना थिक रहना चाहिए, एकदम पतला नहीं करेंगे इसको। तो एक तो मैंने बना ली हूँ, तवा गरम होता है तब तक मैं दूसरा भी रेडी करती हूँ। तो अब इसको मैं डाल दूँगी तवे पे, तवा गरम हो चुका है। ये देखिए इस तरह से, अब दूसरा भी हम लोग इसी तरह से बेल लेंगे। सूखा आटा आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो। ये देखिए ये भी दूसरा वाला भी मैंने बेल ली हूँ। तो सारे हम लोग इसी तरह से बना लेंगे। ये चेक कर लेते एक बार। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल के इसको पलट देंगे, इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए एक तरफ हो चुका है। अब इसको नीचे की साइड अच्छे से सेकना है, नीचे की साइड इसको अच्छे से पकने देंगे। अच्छे से नीचे से क्रिस्प हो जाएगा, फिर इसको हम लोग टर्न करेंगे ऑयल डाल के। तो ये नीचे साइड से भी अच्छे से हो चुका है, इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम लोग इस पर डालेंगे ऑयल, या आपको घी डालना है तो घी डालिए, बटर लगाना है बटर लगाइए। तो मैं ऑयल डालूंगी और इसको टर्न कर लेंगे, और टर्न करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये एक तो बन चुका, अब मैं इसको निकाल लेंगे और ये सेकंड वाला भी डाल देंगे। तो ये देखिए मेरा सेकंड वाला पराठा भी है रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी इस तरह से, और इसको फिर पलट देंगे। और अच्छे से सेक लेंगे, और जितना हो सके उतना मोटा आप बना सकते हो। जितना मोटा बनाओगे उतना फूलेगा। मैंने ज़्यादा मोटा नहीं बनाई हूँ, मीडियम बनाई हूँ इसको। दोनों तरफ से फिर से एक बार सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए मेरा पराठा रेडी हो चुका है, ये सेकेंड वाला भी। इसको दो तीन दिन स्टोर करके भी आप खा सकते हो। अब मैं ये तीसरा वाला डालूँगी अपना। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग
कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। तो इसके बाद में और भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो ये देखें, बन चुका है हमारा मेथी का पराठा। ये इस तरह से मैंने सारे बना ली हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, तो आप लोग भी इसी तरह बनाना, बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।